ਵਿੱਚ VIP ਜਨਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੈਸੀ ਜਨਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਛੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਕਲੀਨਾ ਕਲੀਨਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤਕੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਜ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤਕੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਜ ਟੇਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਆਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਛੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਕਲੀਨਾ ਕਲੀਨਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤਕੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੋ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਅਫਮਨ ਯਅਲਮੁ ਅੰਨਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਾ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕਲ ਹੱਕੁ ਕਮਨ ਹੁਵਾ ਅਅਮਾ كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشائی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا اور گنج بخش ہے
फ़ालमा युरीद है और अला कुल शईन क़दीर है। दुरुदो सलाम इमामुल अंबिया एवल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन व इमामुल आखिरीन इमामुल मुमिनीन व इमामुल मुजाहिदीन इमामुल क़िबलतैन इमामुल हरमैन इमामुल शैखैन इमामुल हसन वल हुसैन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात दे सरदार शहद नालों ज़्यादा मिठे और गुलाब दे खुशबू नालों ज़्यादा खुशबूदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व असहाबिही वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात वास्ते रहमत और बख्शिश दी दुआ आले रसूल अहले बैत असहाबे रसूल ताबईन इदाम औलिया किराम आइम्मा दीन मुहद्दिसीन बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहु तबारक व तआला अजमाईन। हजरात जी वकार नहायत ज़्यादा प्यारे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों पर्दे अंदर बैठने वाली रूहानी इस्लामी माओ और बहनों अल्लाह की तौफीक ना और उसकी रहमत दे नाल ठठर दी सर्दी दे अंदर शिद्दत वाली सर्दी दे अंदर अल्लाह पाक ने अव्वल वक्त मैनू और तुहानू अपनी खास तौफीक नाल खुतबा जुमा सुनन सुनान वास्ते अल्लाह पाक ने अव्वल वक्त पुछाया ना अज असी अपनी मर्जी नाल आए हाँ और ना आइंदा असी अपनी मर्जी नाल आना है। अज भी सानू अल्लाह ले आया आइंदा भी सानू अल्लाह ले आएगा। अल्लाह पाक सानू अव्वल वक्त ते जुमे बैतुल्ला दे नसीब फरमाए। या इलाहा लालमीन तू रहमान रहीम है अव्वल वक्त ते जुमे अल्लाह पाक सानू मस्जिद नबवी अंदर रोज़ा तुम मिल रियाज़ल जन्ना बिच अल्लाह पाक पढ़ने नसीब फरमाए। कुरान पाक दे 13वें पारे अंदर एक सूरत है जिस सूरत का ना है सूरा राद। अरबी जुबान के अंदर राद कड़क नू कहिंदे ने। कदी कदी तुसी आसमान वल वेंदे हो बदल गरजदे हुंदे ने ते बिजली आसमान ते कड़कदी हुंदी है। आसमान ते कदी कदी जड़ी बिजली कड़कदी है ना ये जड़ी बिजली दी कड़क है इनू अरबी जुबान दे अंदर राद नू कड़क किया जांदा है। 13वें पारे अंदर एक सूरत है उस सूरत दा नाम है सूरत उर राद। उस कड़क की वजह तो इस सूरत का ना राद पै गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक अंदर ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते मदीने यह सूरत नाजल हुई है। तवज्जो मेरे हल करना मदीने सूरत नाजल हुई है और इस सूरा पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दा जिहड़ा जाती ना है ना अल्लाह ए चौथी मरतबा अल्लाह ताला ने इस कुराने पाक दी 13वें पारे दी सूरह रात दे अंदर अल्लाह पाक ने अपना नाम जिक्र फरमाया और इस सूरत दे अंदर इहदियां कुल 43 आयात ने और इस सूरत दे कुल 3450 हरूफ ने। जिहड़ा बंदा सूरह रात जिहड़ी 13वें पारे अंदर है एक बार जिहड़ा सूरह रात की तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान को 34,500 नेकियां अल्लाह तआला उस बंदे नू अता फरमा देंदे ने। और इस सूरत का आगाज अल्लाह तआला ने हरूफे मुकत्ता तो किया है। हरूफे मुकत्ता का माना है अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम स्वाद काफ हा या आईन स्वाद इन्हों कहा जाता है हरूफ मुकत्तात यानी वह हरूफ जेडे टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाते हैं कटे हुए हरूफ और इन हरूफ का माना अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानता। मुआशरे अंदर लोगों ने सिंदरियां बनाईया ने लोगों ने मुआशरे अंदर कस्बे बनाए ने कि जेड़ा बंदा सुबह सवेरे उठ के
इन हरूफ नूं वेख लैंदा है, अलिफ लाम स्वाद काफ हा या ऐन स्वाद, जिहड़ा बंदा सवेरे उठदिया ही इन्हां हरूफां नूं वेख लैंदा है उहदे रिज़क अंदर बरकत पै जांदी है, उहदे माल च बरकत पै जांदी है। इन्हां चीज़ां दा असल दीन इस्लाम दे नाल कोई ताल्लक नहीं, इन्हां दा माना अल्लाह ही जाणदा है। अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कुरान नाज़िल होया है, नबी पाक भी इन हरूफे मुकत्तार दे माने नूं नहीं जाणदे। तो हज़रते दी वकार ये कुरान पाक की जिहड़ी सूरह राह देना, इस सूरत दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद नूं बहुत ज़्यादा बयान फरमाया है। और इस सूरत दे टोटल 6 रुकू ने। अज दे जुमे अंदर मैं तुहाडे सामने बड़े बड़े लोग जिहड़े ज़्यादा मालदार ने, ज़्यादा अकल वाले ने, ज़्यादा बसीरत वाले ने, ज़्यादा समझदार ने, वो अपने आप नूं समझदे ने असीं बड़े अकलमंद आ, साडी अकल अकले कुल है, जिहदे कोल 4 पैसे ने वह आंदा मेरी अकल अकले कुल है, जिहदा कारोबार चंगा चलता वह आंदा मेरे नालों वड्डा सियाणा ही कोई नहीं। अज दे कुराने पाक कुरान पाक दे अंदर, अज दे जुमे अंदर सूरह रात दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अकलमंद बंदियां दियां 8 निशानियां बयान फरमाइया ने। मिल के बोलो किनियां निशानियां। बंदा भावें जिड्डा मर्जी मालदार अपने आप नूं अकलमंद कवे, जिन्ना मर्जी सियाणा बंदा अपने आप नूं अकलमंद कवे, लेकिन अकलमंद होवे जिन्हों अल्लाह ने अकलमंद आखिया है, अकलमंद होवे जिन्हों अल्लाह दे हबीब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकलमंद आखिया है। और हकीकी अकलमंद है ही होवे जिन्हों अल्लाह ने अकलमंद आखिया है, जिन्हों अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिया है। बाकी जिहड़े साडे बनाए हुए अकलमंद लोग ने वह बनावटी ने। जिहड़ा बंदा अल्लाह ने जिन्हों अकलमंद कह दिता है उहनू कोई बेवकूफ नहीं कह सकता, जिन्हों नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने अकलमंद कह दिता है उहनू कोई बंदा झल्ला नहीं कह सकता। आओ गुदस्ता जुमे अंदर तुहाडे सामने अल्लाह तबारक व तआला दियां मैं 8 सिफतां तुहाडे सामने बयान कीतियां सन। अज दे जुमे अंदर अहले ईमान मोमन बंदियां चो अकलमंद कौन लोग ने, उन्हां दियां सूरह रात की रोशनी के अंदर मैं तुहाडे सामने 8 निशानियां बयान करना। दुआ मैं करना आमीन तुसीं कह दिओ, अगर ये 8 निशानियां साडे अंदर मौजूद ने तो ये अल्लाह पाक का साढ़े ते बड़ा फजल है, ये अल्लाह पाक का साढ़े ते बड़ा करम है। और अगर ये 8 निशानियां साढ़े अंदर मौजूद नहीं तो अल्लाह को दुआ कर लो, अल्लाह पाक सानू 8 खूबियां अपने अंदर पैदा करन दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो हजराते दी वकार छोटी जी मुख्तसर दी सूरत है, सूरह रात 4 को तकरीबन वरके कुराने पाक दे बनते ने। यह सूरत नू याद करना चाहिए, जिहड़ा इंसान इस सूरत नू याद करता है उहदे दिल अंदर अल्लाह का प्यार पैदा हुंदा है, अल्लाह की मुहब्बत पैदा हुंदी है, उहनू तौहीद समझ आती है। और हजराते दी वकार ऐ जिहड़ी आसमान ते बिजली कड़कदी है ना, जिहड़ी आसमान ते तुहानू कदी कदी कड़क नज़र आउंदी है, इस कड़क के बारे सूरे राज ही अल्लाह ने आख्या है वायु सब्बिहुर रादु बिहमदे ही। ऐ जिहड़ी आसमान ते कड़क तुहानू कदी 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 नज़र आउंदी है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये अल्लाह दियां मखलूकात चो कुरान कहिंदा कि मखलूक है कड़क। आसमान ते बिजली का कड़कना अल्लाह फरमाते ने मेरिया मखलूकात चो एक मखलूक है, वायु सब्बे हो राह दो पे हम दे ही, ये कड़क भी अल्लाह फरमाते ने मेरी तस्बीह बयान कर दी है, अल्लाह फरमाते ने कड़क भी मैं रब की हमद बयान कर दी है, ये कड़क भी मैं अल्लाह की पाकी बयान कर दी है। तो हजराते दी वकार जिहड़ा इंसान सूरह रात नूं समझ लैंदा है उहदे दिल अंदर उस सुबहान की तस्वीर करन की मुहब्बत पैदा हो जाती है, उस रहमान दियां हमदां ते तरीफां करन दा प्यार पैदा हो जाता है। आओ मैं सब तो पहले तुहाडे सामने जिहड़े अकलमंद लोग ने उहनां दियां निशानियां मैं तुहाडे सामने बयान करना। इलाहा आलमीन ने कुरान पाक अंदर की फरमाया, तवज्जो करना, मैं तर्जमा करदा जावांगा और इंशाअल्लाह तुहानूं गल समझ आएगी। अल्लाह फरमा रहा ने ऐ मेरे हबीब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, सारे नहीं बोले जनाबे मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, ईमान वाले मोमन बंदे ते मोमन बंदियां नू अकलमंद लोगां दियां अलामात बयान कर दो, अकलमंद बंदियां दियां निशानियां बयान कर दो। फरमाया आफा मैं यालमु अन्नामा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक कमन हुवा आमा इन्नामा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह पाक ने कमालाबादी चूम दया दे कुरान सुन के। अल्लाह पाक ने कुराने पाक अंदर फरमाया है, फरमाया ओ बंदा जिन्हों इस गल का पता है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक ते हक वाली किताब अदल फरमाई है, अल्लाह पाक ने नबी पाक ते हक वाला दीन अदल फरमाया है, हक वाली किताब अल्लाह पाक ने अदल फरमाई है। दूजे दिन नंबर ते फरमाया ओ बंदा जेड़ा इस हक तो मुन करे, जेड़ा इस हक का इनकार कर दिया, जिन्हों पता ही नहीं कि नबी पाक अलैहि सलाम ते हक वाली किताब कुरान आई है। अल्लाह फरमाते ने दोवें बंदे बराबर नहीं हो सकते, एक बंदे नूं पता है कि नबी पाक ते हक आया, नबी पाक ते हक वाली किताब कुरान आई है, एक किताब मुनद्दल मिन अल्लाह आई है। दूजे नंबर ते कुरान कहिंदा जिन्हों पता ही नहीं नबी पाक ते हक आया ओ ते बंदा अन्ना है, रब दा कुरान कहिंदा ओ ते बंदा जाहिल है, अल्लाह दा कुरान कहिंदा ओ ते बंदा बेवकूफ है। फरमाया कमन हुआ आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। कुरान दियां मिसालां तो फरमाया ओही नसीहत हासिल करदे ने जिहड़े फरमाया अकलमंद ने। जिहड़ियां मिसालां अल्लाह पाक ने कुराने पाक अंदर बयान कीतियां ने, फरमाया उन्हां मिसालां ते ओही लोग गौर करके नसीहत हासिल करदे ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने अकल अता फरमाई है, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने शऊर अता फरमाया है। और आओ लोगो, अकलमंद लोगों दियां फिर इस तों अगे अल्लाह ने अठ निशानियां बयान कीतियां ने। सब तो पहली निशानी फरमाया अल्लाह दीना यूफूना बे आहदिल्लाह, अल्लाह दीना यूफूना बे आहदिल्लाह। फरमाया अकलमंद हो लोग ने जेने जिन्हां ने अल्लाह दे नाल वादे कीते ने, अल्लाह ना कीते हुए वादे नहीं तोड़दे, अल्लाह दे नाल कीते हुए आहद नहीं तोड़दे, अल्लाह दे नाल कीते हुए वादे नहीं तोड़दे। मैं तुसी सारिया ने अल्लाह दे नाल आहद की कीता अलस्तो बे रब्बे कुम, मैं तुसी सारे अपने अल्लाह नाल वादा कीता है अलस्तो बे रब्बे कुम। अल्लाह पाक ने मैनू और तुहानू पुछया दसो मैं तुहाडा रब है वा कि नहीं, ते सारे ही आखिया अल्लाह तू ही साडा रब है, अल्लाह तू ही साडा मुश्किल कुशा है। मैं भी अल्लाह पाक दे नाल यही वादा कीता है आलमे अरवा ते, तुसा भी अल्लाह पाक ने ही वादा कीता आलमे अरवा ते, अल्लाह तू ही साडा रब है। जेड़ा बंदा अल्लाह दे नाल जिन्हें अल्लाह नू रब्बुल आलमीन मने है, वो अल्लाह दे नाल कीते हुए वादे नू नहीं तोड़दा, बड़ी तो बड़ी परेशानी आ जाए, बड़ी तो बड़ी बीमारी आ जाए, बड़ी तो बड़ी तंगी आ जाए, बड़े तो बड़े मुश्किल हालात आ जान, नहीं खैरुल्लाह की इबादत करता है, नहीं खैरुल्लाह अगे झुकदा है, नहीं खैरुल्लाह नू मुश्किल कुशा कहिंदा है, नहीं खैरुल्लाह नू हद रवा कहिंदा है, नहीं खैरुल्लाह अगे डिगदा है, नहीं खैरुल्लाह दे दम ने नदरों नियाद खैरुल्लाह दे नाम दे देंदा है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दी नाइयो फोना बे आहदिल्लाह। अकलमंद लोग उन्हां ते बड़े बड़े गमां दे पहाड़ डिगे, उन्हां ते बड़िया बड़िया तंगियां दे पहाड़ डिगे, उन्हां ते बड़िया बड़िया बीमारियां आ गई, उन्हां ते बड़े बड़े मुश्किल हालात आ गए, उन्हां ते बड़े बड़े कुटन हालात आ गए, लेकिन उन्हां ने अल्लाह नाल जिहड़ा आहद कीता रब दे अलावा किसी नूं शरीक नहीं बणांदे, अल्लाह दे नाल कीते होए आहद नूं नहीं तोड़दे, अल्लाह दे नाल कीते होए वादे नूं नहीं तोड़दे, वादे नूं नभांदे ने। अल्लाह दी नाइयो फोना बे आहदिल्लाह, आहद नूं फरमाया पूरा करदे ने, आहद दे उत्ते डट के रहिंदे ने, अल्लाह तो अलावा किसी नूं शरीक नहीं बणांदे। वला यलुंग वला यनकुज़ून अल मीसा। Oh, good.
अल्लाह दे नाल जेड़ा वादा कीता है पहली निशानी वह वादे दे उते पाबंद रहिंदे ने और दूजी निशानी वादे दे पाबंद रह गए अल्लाह दे नाल कीते होए वादे नूं तोड़ दे सारे नहीं बोलते तोड़ दे दो निशानियां इस आयत में अल्लाह पाक ने बयान कीतियां ने पहली अकलमंदां दी निशानी वह वादे की पासदारी करते हैं जेड़ा उन्होंने अल्लाह ना वादा किया है वह वादे की पासदारी करते हैं दूजे नंबर ते वला यनकुज़ून अल-मीसाक वादा अल्लाह नाल तोड़ते नहीं वादा पूरा करते ने एक अल्लाह के झोंके रहिंदे ने एक अल्लाह के झुकाओ करके रहिंदे ने और तीसरी निशानी फरमाया वल्ला दी ना यसे अल्लाह पाक दा कुरान कहिंदा है जिहड़े रिश्ते अल्लाह पाक ने निभाण दा हुक्म दित्ता है फरमाया उन्हां रिश्तियां नूं निभांदे ने रिश्तियां नूं नहीं तोड़दे कता तल की नहीं करदे रिश्ते नहीं तोड़दे जिहड़े रिश्तियां दा अल्लाह पाक ने निभाण दा हुक्म दित्ता है जिड्डी मर्जी ज़ियाती हो जाए जिड्डा मर्जी ज़ुल्म हो जाए जिड्डा मर्जी घाटा हो जाए जिड्डा मर्जी दुख पहुंचाए फरमाया वह रिश्तेदारियां नहीं तोड़ते रहम दे रिश्ते निभाते ने सब तो वड्डा मुजरम पता कौन है रिश्तेदारी के मामले में कमालाबादी गौर करना सब तो वड्डा मुजरम पता कौन है रिश्तेदारी के मामले अंदर जिहड़ा सब तो पहले गल कहिंदा है मैं अज तो बाद तेरा जे मेरा मरण जीन मुका मैं ते तेरी मैयत ते भी नहीं आवांगा ते तेरा मरे दा भी मुंह नहीं वेखांगा मेरा तेरा अज तो बाद काम मुकया जेड़ा बंदा सब तो पहले रहम दे रिश्तियां दे मामले अंदर सब तो पहले जेड़ा बंदा कता दलगी करदा है ना रिश्तेदारी दे मामले अंदर सब तो पहले वह बंदा अल्लाह दी बारगाह दा मुजरम है वह नहीं जे अकलमंद जेड़ा रिश्तेदारी तोड़ दवे भैणां नाल तालक तोड़ दवे भरावां नाल तालक तोड़ दवे खूनी रिश्तेदार तालक तोड़ दे जिड्डा मर्जी वड्डा मालदार हो जिड्डा मर्जी वड्डा तालक वाला हो जिड्डा मर्जी वड्डा चौधरी हो जिड्डा मर्जी वड्डा हसबो नसब वाला हो जिन्हें रिश्तेदारी तोड़ी है मिल के बोलो अकलमंद हो सकता वह नहीं जी अकलमंद हो सकता मैं नहीं कहता सूरह रात के अंदर अल्लाह ने कुरान का फैसला सुना दिता है फरमाया वल्ला दी ना यसलू ना मा अमर अल्लाह बेही अयो सला है अकलमंद बंदे की पहली निशानी है जिहड़ा उन्हें रब ना वादा किया वादे को पूरा करता है दूसरी निशानी वादे को नहीं तोड़ता तीसरी निशानी रहम दे रिश्तेदार ने रिश्तेदारी निभांदा है रिश्तेदारी तोड़ता नहीं बल्कि रिश्तेदारी निभांदा है ज्यादती बर्दाश्त कर जाता है अपने आप को झुका लेता है जुल्म बर्दाश्त कर लेता है लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी आखिया है ओए अगर चाहती हो अल्लाह तुहाडे रिज़क अंदर इजाफा कर दे सहीहुल बुखारी अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अगर चाहती हो अल्लाह तुहाडी उम्र अंदर बरकत फरमा दे अल्लाह तुहाडे रिज़क अंदर इजाफा फरमा दे फल यसिल रहम लोगों की रिश्तेदारी के मामले अंदर रहम दिल तुसी बन जाओ अल्लाह तुहाडे रिज़क च भी इजाफा फरमा देगा अल्लाह तुहाडी उम्र अंदर भी बरकत फरमा देगा कई बंदे कहते हैं कारी साहब को राज की गल दसो रिज़क बढ़ जाए कोई पते की गल दसो साडे रिज़क इजाफा हो जाए ओए निरे वजीफे काम नहीं आते निरिया तस्वीर काम नहीं आंदियां और निरे सजदे काम नहीं आते निरिया कुरान दिया तिलावत बंदे दे काम नहीं आउंदियां जे बंदा दिल का दरिंदा होवे जे बंदा जुबान का कौड़ा होवे गाली गलौज ते रिश्तेदार ना ज्यादती करन वाला होवे दसो ओदियां नमाजां दा ओदे की असर होएगा इंसाफ ना तुसी सोचो यार ओदियां नेकियां दा ओदे की असर होएगा ए जिहड़ी नेकी है इंसान नूं किरदार सिखांदी है नेकी इंसान नूं अखलाक सिखांदी है नेकी इंसान नूं रहम दिल बनाती है जिस इंसान का नमाज पढ़ के रहम दिल नहीं बनया जिहड़ा इंसान जिक्र करके रहम दिल नहीं बनया जिहड़ा बंदा तलावत करके रहम दिल नहीं बनया सजदे करके रहम दिल नहीं बनया रुकू कयाम तस्वीर कर फेर के रहम दिल नहीं बनया ओदियां नेकियां दा ओदे मिजाज ते ओदे दिल ते की असर होया
अल्लाह ने कुरान चा के है वल्लदीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अय्युसला। अकलमंद बंदे ओने जेड़े फरमाया रिश्तेदारी अंदर काटा वादा हो जाए ते फरमाया दरगुजर कर देंदे ने, रिश्तेदारी नु पूरा निभाण दी कोशिश करदे ने। और चौथी अकलमंद बंदियां दी निशानी फरमाया वा यखशौना रब्बहुम वा यखशौना रब्बहुम। अकलमंद बंदे ओने जेड़े अल्लाह दे कोलो पल पल ते डरदे रहिंदे ने, पल पल ते अल्लाह दा डर उहनां दे दिल दे अंदर है, पल पल ते अल्लाह दा खौफ उहनां दे दिल दे अंदर है। बंद कमरे अंदर ने ते फिर भी उहनां दे दिल विच अल्लाह दी खुशियत है। दुकान ते तकड़े ते बैठे ने ते तोलन लगी उहनां दे दिल विच अल्लाह दी खुशियत है। गज उहनां ने हाथ विच पकड़िया ते कपड़ा मापन लगियां उहनां दे दिल विच अल्लाह दी खुशियत, अल्लाह दा डर है। अल्लाह पाक दा कुरान कहिंदा वयखशौना रब्बहुम। अकलमंद दो लोग ने जिहड़े हर वेले अल्लाह दे कोलों डरदे रहिंदे ने। इह दुध वेचदा ते अल्लाह दे कोलों डर के वेचदा, मिर्चां वेचदा ते अल्लाह दे कोलों डर के वेचदा, हल्दी वेचदा ते अल्लाह दे कोलों डर के वेचदा, रिजक कमांदा ते अल्लाह दे कोलों डर के कमांदा। जे तू दुध विच पानी पाया तू नहीं अल्लाह दे कोलों डरिया, कपड़ा घट मापिया ते नहीं तू अल्लाह दे कोलों डरिया, जे मिर्चां च बूरा रलाया ते नहीं तू अल्लाह दे कोलों डरिया, हल्दी विच दो नंबरी कीती है ते नहीं अल्लाह दे कोलों डरिया, किसे मामले अंदर भी तू दो नंबरी कीती है नहीं अल्लाह दे कोलों डरिया। मेरे और तुहाडे हबीब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, सारे नहीं बोलते जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कदम कदम दे अल्लाह दे कोलों डरन वाले, कदम कदम दे नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह दे कोलों खौफ गाने वाले, खशियत कदम कदम दे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दिल अंदर है। कदी नबी पाक नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह दे खशियत दी वजह तो रोंदे ने, कदी नबी पाक सजदे जांदे ने ते लंबा लंबा सजदा करदे ने ते नबी पाक दिल विच अल्लाह दी खशियत दी अल्लाह दे कोलों डरदे ने। और मुसलमाना तू क्यों अल्लाह दे कोलों नहीं डरदा? अकलमंद बंदियां दी चौथी निशानी कुरान ने सूरह राज नर बयान फरमाई है वयखशौना रब्बहुम। अकलमंद बंदे ओने जेड़े हर वेले अल्लाह दे कोलों डरदे रहिंदे ने। डर जाओ उस खालक कोलों। साडे सब दा खालक कौन है? सानू किने पैदा कीता है? ओ खालक साडा कल्ला ही अल्लाह, ओदे तो इलावा कोई किसे दी तखलीक कर सकदा? डर जाओ उस खालक कोलो जिस मखलूक बनाई, डरन वाले रोज कयामत बख्शिश रहमत पाई। पाक पैगंबर अजमत वाले, पाक पैगंबर अजमत वाले हर वले ने डर दे, रोज हशर अदालत रब दी बड़ाई ने फिकर कर दे। ते कुरान ने पता की आखिया वाली मन खाफा, वाली सूरह रहमान घर जाके पढ़े आ जे वाली मन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान फबी आइए आला ए रब्बे को मात कज़िबा। फरमाया जेड़ा रब दे कोलों डर गया, नमाज खड़ा ते रब कोलों डर गया, तनहाई अंदर ते रब कोलों डर गया, लोगों सामने में ते रब कोलों डर गया। फरमाया जेड़ा बंदा रब कोलों डर गया अल्लाह पाक उन्हूं दो जन्नतां अता करेगा, रब जन्नत भी अता करेगा ते जन्नत अल फिरदौस भी अता करेगा। अल्लाह साडे नसीब अंदर फरमाए। अकलमंद बंदियां दियां चार निशानियां मैं तुहाडे सामने बयान कर चुके हां। अकलमंद ने जिहड़े अल्लाह दे नाल कीते वादे नूं निभांदे ने, अपना सर कटा लैंदे ने लेकिन खैरुल्लाह के नहीं झुकदे। एक रब नाल वादा कीता कि अल्लाह तेरे दर दे प्योर पुजारी रहांगे बकारी रहांगे, अल्लाह दे नाल कीते वादे दी पासदारी करदा है। दूजे नंबर ते अल्लाह दे कीते होए वादे नूं नहीं तोड़दा। तीसरे नंबर ते सिला रहमी करदा है। चौथे नंबर
ते वया खशो ना रब्बा हम हर वक्त पल पल दे दिल अंदर अल्लाह की खशियत अल्लाह का डर रे ते पंजवें नंबर ते वया खाफो ना सो अल हिसाब अकलमंद होवे जेड़ा अल्लाह दे कोलों डरदा है ते पंजवें नंबर ते कियामत दे हिसाब दी बड़ी फिकर करदा है कियामत दे हिसाब कोलों भी बड़ा डरदा है हाए जे कियामत नूं अल्लाह ने नामा अमाल खोल लिया ते की बनेगा हाए कियामत नूं जे अल्लाह ने किताबां खोल लईआं ते की बनेगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया ओ मेरे सहाबा कियामत वाले दिन हिसाबां किताबां दी वारी आ गई ते होरे मैं नबी नवी बख्शिया जाना के नहीं बख्शिया जाना और मेरे सहाबा कियामत नूं पुगना ते अल्लाह दी रहमत नाल ही पुगना है मेरे सहाबा कियामत नूं कामयाबी मिलनी है ते अल्लाह दी रहमत नाल ही मिलनी है इस वास्ते मेरे सहाबा कियामत नूं अल्लाह दे कोलों अल्लाह दी रहमत दुनिया ते मंगिया करो अल्लाह कियामत नूं सानूं अपनी रहमत दी छतरी थले जगह दा फरमा दे हजराते दी वकार कुरान ने आखिया वाया खाफून सुअल हिसाब अकलमंद बंदा जिहड़ा कियामत दे हिसाब दी बड़ी फिकर करदा है कियामत वाले दिन अल्लाह दे कुटारे अगे खड़िया होण दी बड़ी फिकर करदा है मेरी औकात की है मैं दुनिया ते की करना मैनू अपना पता है तुसी दुनिया ते कियामत दे हिसाब दी किन्नी फिकर करदे हो तुहानू अपना पता है दुआ मैं करना मैं तुसी कह दिओ अल्लाह पाक सानू कियामत नू बगैर हिसाब दी अपनी जन्नत दा दाखला नसीब फरमाए शेख साहब कहते हैं चार अरब ते 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब कियामत नू अल्लाह दी जन्नत जाना है अल्लाह असीं बड़े गुनाहगार हाँ साडे गुनाहगारां दा उन्हां अंदर ना शामिल फरमा आमीन तुहाडी बड़ी ढिली अल्लाह साडे गुनाहगारां दा ना शामिल फरमा फरमाया वाया खशाउना रब्बाहुम अकलमंद बंदे अल्लाह दे कोलों डरदे ने वाया खाफूना सो अल हिसाब ते अकलमंद बंदे ओने जेड़े फरमाया कियामत दे हिसाबां दी बड़ी फिकर करदे ने कि उस वेले की बनेगा जदों अल्लाह कहणगे इकरा किताबक कफा बिनफसे कल यौमा अलैका हसीब बंदिया अपना माल नमा पई पढ़ लै ते अपना फैसला पई कर लै जो दुनिया दे करदूता करके आया बंदे दे सामने आ जाणगियां बंदे दियां अखां उहदे खिलाफ गवाही देणगियां जिन्ना हत्थां दे नाल गुनाह करदा रिहा उहदे हत्थ उहदे खिलाफ गवाहियां देणगे जिन्ना पैरां नाल चल के जिनाह ते बदियां बदगारियां दे अड्डियां ते जांदा रिहा उह पैर उहदे खिलाफ गवाहियां देणगे अल्लाह अकबर कबीरा ऐ जिन्ना कन्नां दे नाल गाने सुनदा रहा जिन्ना कन्नां दे नाल गंध सुनदा रहा ए कन्न भी बंदे दे खिलाफ गवाहियां देणगे जिन्ना अखां दे नाल गाने ते नावल ते फिल्मां ते ड्रामे वेंदा रहा कियामत दा दिन होए गाए अखां भी बंदे दे खिलाफ गवाहियां देणगे एक एक अजाब बंदे दा बंदे दे खिलाफ गवाही देगा ते उस वेले बंदे दा बनेगा कि रो रो कैसन दुनिया अंदर बंदे दी हालत पता की होएगी शर्मिंदगी दे नाल कियामत नूं बंदे ने चेहरा चुकाया होएगा ते सब नबियां दियां मखलूकात उत्थे होणगियां ते बंदा जदों अपना अमाल नामा पढ़ेगा ते की कहेगा रो रो कैसन दुनिया अंदर भेज रब्बा इक वारी मन कुरान हदीस नबी दी ते करांगे तबे आदारी पर हुक्म होसी हुन दुनिया अंदर मोल नहीं हरगिज जाना विच अजाब जहन्नम अंदर ए दाइम है बुरा ठिकाना अल्लाह कियामत नू सानू सब नू महफूज फरमाए ते कुरान ने पता की आखिया है अकलमंद होवे जेड़ा रब ना कीते वादिया नू नभांदा है अकलमंद होवे जेड़ा रब दे कीते हो जेड़े वादे बंदे ने कीते ने उन्हां नू तोड़दा नहीं सिला रामी करदा रिश्तेदारी नाल तल्लक नभांदा है और चौथे नंबर ते हर वेले रब कोलों डरदा है
ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪੰਜੇ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਛੱਟੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੂਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾਦੀਨਾ ਸਬਰੁ ਬਤਗਾ ਵਜਹ ਰੱਬਹਿਮ, ਵੱਲਾਦੀਨਾ ਸਬਰੁ ਬਤਗਾ ਵਜਹ ਰੱਬਹਿਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਬੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਲਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਬਰੁ ਬਤਗਾ ਵਜਹ ਰੱਬਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਫਤ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਜੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਕੀਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਸਕ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਬਰ ਬਿਨਾ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਬਰ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਸਬਰ ਬਿਨਾ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ ਦਾਰੂ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਬਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਰਦ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਸਬਰ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਵੜ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਖੁਸ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਕੱਲੀ ਬੀਵੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡੁਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਬਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਲਾ ਤਲਾਕ ਨੀ, ਇੰਜ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਅਖਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿਹਾਬੀਆਤ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਲਾ ਤਲਾਕ ਨੀ,
चली जा पे के तोड़, मेरा तो साथ नहीं, मैं आप ही पिया पावा जो रब करे पाक नी। तू तकलीफ पावे नाई, ते नेक सबर वाली बीबी ने जो गल्लां सुनिया ना, तलाक लिया ते तू भी चली जा, ते सुनिया जा रहमत बीबी चांगरा ने मारिया, सुनिया जा रहमत बीबी चांगरा ने मारिया, रब दे रसूला ते थो जाना मैं वारिया, अलगे तलाका चलिया गईया जो सारिया, अलगे तलाका चलिया गईया जो सारिया, खटिया ओना कुछ नाई। ते जिथों तक गल है तुहाडे जख्मां दी, जिथों तक गल है तुहाडियां बीमारियां दी, जख्मां थी नहीं मैं नक भुल वटांगी, जख्मां थी मैं नहीं नक भुल वटांगी, अमीरी गरीबी मैं तुहाडे नाल कटांगी, अमीरी गरीबी मैं तुहाडे नाल कटांगी, ते करके तुहाडियां खिदमतां जन्नत पई खटांगी, ऐ मौका लियांदा अल्लाह ताई। अल्लाह जेड़े बड़े बड़े परेशान ते दुखी ने बीमारियां तो औलाद तो, जिन्ने भी अल्लाह तेरे बंदे बंदियां दुखी बैठे ने, अल्लाह पाक सब दियां परेशानियां नूं खुशियां अंदर तब्दील फरमा दे। हजराते दी वकार सबर करना है, ओ मेरी ओ मौ भैनो सबर करना है। फरमाया अकलमंद वो लोग ने, सूरे रात जड़ियां अल्लाह ने अकलमंद लोगों दी सिफतां बयान कीतियां ने, छठी खूबी फरमाया ओ लोग सबर, ओ लोग अकलमंद ने जिहड़े, फरमाया सबर वाले ने, बर्दाश्त वाले ते हौसला करदे ने। किवें सबर करने? अल्लाह अकबर कबीरा, फिरौन दी बीवी ने मूसा अलैहि सलातो सलाम दा कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, फिरौन ने आखिया मार देंगे, आ तेरे कंगन उतार ले जाणगे। अल्लाह दी वलिया ने आखिया कोई परवाह नहीं, उन्हें आखिया तेनू फांसी चढ़ा दिता जाएगा, रब दी वलिया ने आखिया कोई परवाह नहीं, उन्हें आखिया तेरा सब कुछ उठा लिया जाएगा, माल खो लिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ए अल्लाह वाली वलिया कहन लगी कोई परवाह नहीं, फिर रब दे कोलो दुआ की कर दी है, आंदी है अल्लाह ए फिरौन दे जबर तो मैनू नजात अदा कर दे, अल्लाह जन्नत च मेरा घर बना लै। अल्लाह पाक नू अल्लाह दी वलिया दा ऐ सबर करन दा अंदाज इन्ना पसंद आया, जो उन अल्फाज मूँह चो कहे ने अल्लाह ने, वही अल्फाज कुरान दियां तां बढ़ा के मुहम्मद दे सीने ते नादल फरमाते ने। फरमाया इद कालत रब इब्नली इंदक बैतन फिल जन्ना वनजनी मिन फिरौन व अमली वनजनी मिन अल कौम ज़ालिमी। इंज जल्लाद पहाड़ दे उपर बड़ा वड्डा पत्थर रह के खड़ा है, नीचे बीबी अल्लाह अकबर कबीरा, फिरौन दी अल्लाह अकबर बीबी है, मूसा अलैहि सलातो सलाम दा कलमा पढ़ लिया है, कमालाबादी ओ जल्लाद इंज करके पत्थर सुट है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह दी कुदरत दे नाल उस अल्लाह दी वलिया नूं इंज दर्द होई है जिवें किसे नूं फुल मारन दी दर्द हुंदी है। अल्लाह अकबर, ते अल्लाह ने उस बीबी दा घर जन्नतां विच बना दित्ता है। रब ने कुरान जाकिया वल्लदीना यसलूना मा अमर अल्लाह बेही अयो सला वयखशौना रब्बहुम वयखाफूना सू अलहिसाब वल्लदीना सबार बुतगा वजह रब्बहिम। अल्लाह फरमांदे ने अकलमंद वो लोग ने जेड़े फरमाया सबर करदे ने, ते कुरान ने पता किया कह तवज्जो मेरे करना, फरमाया वाला मन साबारा वाला मन साबारा वखाफारा इन्ना जालिक लमिन अज़मिल उमूर।
अल्लाह ने कुरान जागिया वाला मन सबारा है और जेड़ा बंदा सबर करे, तवज्जो करना लफ्जी तर्जमा ते, अल्लाह फरमांदे ने वाला मन सबारा है और जेड़ा बंदा सबर करेगा वागा फारा है, ते लोगां दियां लोगां ने ज्यादतियां कीतियां ने ते लोगां दियां गलतियां नूं माफ कर देवेगा। इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। मेरा दिल करदा मैं यही पढ़दा जावां ते पढ़दा पढ़दा खुतबा ही खत्म कर देया। इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, अल्लाह फरमांदे ने लोगां दियां गलतियां नूं माफ कर देना सबर करना, अल्लाह फरमांदे ने बड़ा ही औखा काम है, अल्लाह फरमांदे ने बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन या अल्लाह जेड़ा अकलमंद बंदा तेरी रजा चाहण वास्ते तेरे नबी दी रजा चाहण वास्ते इस औखे काम ते अमल कर लैंदा, अल्लाह पाक उहदा नतीजा की निकलेगा। फरमाया इन्ना मा युवफ़ साबिरून, इन्ना मा युवफ़ साबिरून, अजरहुम बगैर हिसाब। अल्लाह ने आखिया जेड़ा बंदा इस औखे काम ते अमल कर लवेगा कियामत दा दिन होएगा, अल्लाह नमाजा नमाजियां नूं बुलाणगे नमाजियां दा हिसाब होएगा, अल्लाह हाजियां नूं बुलाणगे हाजियां दा कमाला बादियो सिर चुकिया जे ते कुरान दे तर्जमे दे गौर करिया जे, नमाजी आउणगे ते उहनां दा हिसाब होएगा, रोजेदार आणगे ते उहनां दा हिसाब होएगा, नेकोकार आणगे ते उहनां दा हिसाब होएगा, पर्दे वालियां मोमन औरतां आणगियां ते उहनां दा हिसाब होएगा। लेकिन फरमाया जो ए लोगों दिया गलतियां नू माफ कर देने वाला है, अपने जज्बात ते कंट्रोल करने वाला ते सबर करने वाला है, जो कियामत नू अल्लाह दे दरबार से आएगा, अल्लाह फरमाणगे फरिश्ते परा हो जाओ अज इहदा हिसाब नहीं लैना, बगैर हिसाब दे नू मेरी जन्नत दा मेहमान बना दिओ। अकलमंद बंदे ओ लोग ने जेडे झगड़े वगैरह गालां नहीं कढ़दे, अकलमंद ओ लोग ने जेड़े झगड़े दे वक्त बद ध्यान दी ते मां प्यो दियां गालां ते धमकियां नहीं देंदे, अकलमंद ओ लोग ने जेड़े फरमाया घुट जांदे ने सबर कर लैंदे ने मुसल्ला पांदे ने रब नाल यारी लांदे ने, रब्बा तू वेना ने बिना ज्यादती कीती आ, रब्बा तू वेना ने मेरे ना जुलम कीता है। फरमाया वल्लादीन सबरू बतगा अवजह रब्बेहिम, छठी निशानी ते सतवीं फरमाया व अकामुस्सलात, अकलमंद बंदे ओने जेड़े नमाजां दी पाबंदी करदे ने नमाज दा एहतमाम करदे ने, नमाज नाल जान नालों बहुता नमाज नाल प्यार करदे ने, जान नालों बहुता नमाज नाल मुहब्बत करदे ने। कई लोग ऐसे अल्लाह वाले मैं वेखे ने अल्लाह पर होंदा है तो उन्हां नूं चिंता लग जांदी है, उन्हां नूं कंट लग जांदा है, ओ इंज उठदे ने मतलब सो जिवें उन्हां नूं कोई जानदा ही नहीं, उन्हां नूं अल्लाह दे बुलावे दा एहतराम है, उन्हां नूं अल्लाह दे बुलावे दी कदर है। मेरे और तुहाडे हबीब पैगंबर मामूल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे में पढ़िया, सहाबा बयान करते हैं सही बुखारी अंदर, सारिया सियासतां दी किताबां अंदर रवायत मौजूद है, सहाबा बयान करते ने जदों अल्लाह अकबर मसन नबी अंदर अजान हुंदी है, बड़ी मजलिस नबी पाक बैठे होंगे, गल जिथे भी है नबी पाक उत्थे ही छड के ते मसन नबी चले जाते, इंज नबी पाक उड़दे कि जिवें सानूं नबी पाक जानदे ही नहीं, नबी पाक असीं नबी अलैहि सलातु सलाम साढ़े तो वाकफ ही नहीं। ओए लोगो जे अपने आप नूं अकलमंद बनाना चाहते हो, बेनमाज बंदा कभी भी अकलमंद नहीं हो सकता, बेसबरा बंदा कभी भी अकलमंद नहीं हो सकता, जिहड़ा रब दे कीते वादे तोड़दा सबे अकलमंद नहीं जे हो सकता, जिहड़ा बेरहम है सिला रहमी नहीं करता कभी अकलमंद नहीं हो सकता। अकलमंद बंदा होवे जिहड़ा रब ना कीते वादे निभांदा है तोड़दा नहीं सिला रहमी करदा है बेसबरी नहीं करदा। फरमाया रब दा कुरान कहिंदा है अल्लाह दे कोलों डरदा है कियामत की फिक्र करता है, और फरमाया नमाज की पाबंदी करता है, कुरान ने किया है फरमाया उतलो मा ओहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सला इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह अकबर वल्लाहु यालम मा तसनाऊ। Oh.
नमाज इंसान बदी तो रोकती है, यह नमाज इंसान गुनाह तो रोकती है। हूँ एक बंदा कहता कारी साहब फलाना बंदा नमाजा भी पढ़ता तो गुनाह भी करता, फलाना बंदा पांच नमाजा कारी साहब पढ़ता पूरी एड्डी लम्मी दाढ़ी है तो गुनाह एडे वे करता कि दाढ़ी नालों वे गुनाह करता। वो अल्लाह ने कुरान चाह कि नमाज गुनाह तो रोकती है। अल्लाह की गल गलत हो सकती नहीं, बोले अल्लाह की गल गलत हो सकती। वो नमाज नहीं उम्मीद पढ़ता जिन्हें रब नमाज चाहते ने, नमाज दखलावे दी है, नमाज महज वर्दश है, ओदी नमाज महज टकरा ने। अल्लाह पाक सानू ओ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाया जिहड़ी अल्लाह की पसंदीदा नमाज बन जाए। सतवीं निशानी फरमाया व अकाम सलाता, फरमाया अकलमंद लोग जड़े फरमाया नमाजा पढ़ते ने, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रं व अलानिया। अठवीं निशानी अकलमंद बंदियां दी होवे के फरमाया वह छुप छुप के भी अल्लाह दे राह विच देंदे ने ते लोगां दे सामने भी अल्लाह दे राह विच देंदे ने। अल्लाह दे राह विच अल्लाह दे दिते माल चो पैसा लुटाण वाला फरमाया अकलमंद, फरमाया अकलमंद दनाए। आओ लोग अगर चाहते हो अल्लाह तुहानू लाए लाए बीमारियां तो शिफा अता करे ते अल्लाह दे राह अंदर खैरात करो, अगर चाहते हो अल्लाह पा अगर जंड बुनियादा ते तुहाडे दुख टाल दवे तुहाडियां बीमारियां टाल दवे फिर अल्लाह पाक दे रस्ते अंदर खर्च करिया करो खैरात करिया करो। फरमाया वयदरऊन बिल हसनति सैया, इधर ध्यान करो या कुरान के तर्जमे ते फरमाया वयदरऊन बिल हसनति सैया अकलमंद बंदा वजना लोगों के सामने भी खर्च करता है अल्लाह के राह में देता है, फरमाया छुप छुप के भी लोगों छुप छुप के भी अल्लाह के राह में देता है। तो कुरान ने की आख्या है जो को गुनाह हो जाता है अकलमंद बंदे को जो गुनाह हो जाता है वह फौरन नेकी करके अपने गुनाह की बख्शिश करवा लेता है। अल्लाह फरमाते ने ओला हुम उकबदार, ऐ लोग ने जिन्हों का अंजाम बड़ा आला है, ऐ लोग ने जिन्हों का अंजाम बड़ा ही बेहतर है, ऐ लोग ने जिन्हों का अंजाम बड़ा सुना तो उन्होंने अंजाम पता की है। ध्यान करो अठ अकलमंद बंदे दी निशानियां तुसी सुनिया ने, ध्यान मेरे नाल करो ते सिर चुको। अकलमंद जिहड़ा रब नाल कीते वादे निभांदा है, अल्लाह दे नाल कीते वादे तोड़दा नहीं, फरमाया सिला रहमी करदा है, फरमाया रब कोलों डरदा है, हिसाब किताब दी फरमाया बड़ी फिक्र करदा है, ते कोई बीमारी तंगी परेशानी आ जाए ते छेवें नंबर ते फरमाया सबर करदा है, नमाजा पढ़दा है, अठवें नंबर ते फरमाया रब दे राह विच भी खर्च करदा है, लोगों के सामने भी ते छुप के खर्च करदा है। अल्लाह फरमाते ने ए अठ सिफात अपने अंदर पैदा करने वाले दा अंजाम बड़ा सोहना है, ते इन्हों दा अंजाम की है फरमाया जन्नातो अदनी यदखुलूना, सुभान अल्लाह, जन्नातो अदनी यदखुलूना व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ले बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फने उकबदार। लो जी इन्हें तीन आदा का तर्जमा सुनो तो गल दो तीन मिनट च मका दईए। एक बारी दरूद पढ़ के सीने ठंड पा दियो। जनाबे मुहम्मद फरमाया अठ किस्म दियां खूबियां पैदा करने वाले अकलमंद ने, फरमाया इन्हों का बड़ा उच्चा अंजाम है, बड़ा सोहना अंजाम है, अंजाम पता की है जन्नातो अदनी यदखुलूना, ये हमेशा हमेशा अल्लाह दियां जन्नतां विच रहणगे, सुभान अल्लाह, सिर्फ ये कल्ले ही नहीं रहणगे। व मन सलाह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, इन्हां दी मुसलमान औलाद भी इन्हां दे नाल अल्लाह दी जन्नत जाएगी, इन्हां दियां मुसलमान बीवियां भी फरमाया इन्हां दे नाल जन्नत जाणगियां, इन्हां दे मुसलमान मां बाप भी फरमाया इन्हां दे नाल जन्नत
जन्नत जाणगे, ते जदों जन्नत जाणगे ना तवज्जो मेल करियो कमालाबादी हो, तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाएगा। जदों मुसलमान बीवियां, मुसलमान औलाद, मुसलमान माँ बाप हमेशा हमेशा लई अल्लाह दी जन्नत चले जाणगे, ऐ अठ खूबियां पैदा करन वाले। फिर रब दा कुरान कहिंदा है वल मलाइका तो यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ले बाब। ए मापिया नू नाल लैके, औलाद नू नाल लैके, मुसलमान बीविया नू नाल लैके अठ खूबियां पैदा करन वाले जन्नत वे चले जाणगे, ते जन्नत दे हर दरवाजे चो फरिश्ते आणगे, सारे हर दरवाजे चो जन्नत दे फरिश्ते दाखिल होके कहणगे, फरिश्ते की कहणगे सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम। ओए बड़े बड़े तुहाडे ते दुनिया ते दुख आए, घुट लिया सजे अपने आप नू, अल्लाह दे गिले शिकवे नहीं जे कीते, घुट लिया सजे अपने आप नू, सबर करते रहो। सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम, हर दरवाजे चो फरिश्ते दाखिल हो के जन्नत इन्हां नू कहणगे तुहानू सलाम है, तुहानू साडा सलाम है, तुसी बड़े सबर करन वाले हो, तुसी अल्लाह दे कोलों डरन वाले हो, तुसी हिसाब वाले दिन की बड़ी फिक्र करन वाले हो, तुसी सिला रहमी करन वाले हो, तुसी अल्लाह नाल वादे निभाण वाले हो, तोड़न वाले नहीं। सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फनेमा उकबदार। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा सानू राजी करन वास्ते ए अठ खूबियां अपने अंदर पैदा करके आएगा, अल्लाह फरमांदे ने उहदा अंजाम असीं सोहणा कर देंगे, ते बदले विच VIP जन्नत अता कर देंगे, बदले विच VIP जन्नत अता कर देंगे। ते कैसी जन्नत अता करांगे, ओ जन्नत जिहदे विच जमुरदी जमीना, अल्फाज ते तुसी गौर करना है, ओ जन्नत जिहदे विच जमुरदी जमीना, जमीना ते बिछियां सबज रंग कलीना, कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने, रेशम दे बिस्तर ते रेशम दे तकिए लगे ने, इंज टेक लगाए हुए बड़े मजे ते बड़े आराम नाल बैठे होणगे। यार मैं दुआ करना आमीन, तुसी कह दियो अल्लाह ए मजे सानू जन्नत नसीब फरमाए। ओ जन्नत जिहदे विच जमुरदी जमीना, जमीना ते बिछियां सबज रंग कलीना, कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने, गो ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने। ओ जन्नत जिहदे विच मुसीबत दा ना नहीं, जिहदे विच दुखा दा नामो नशा नहीं, ओ जन्नत जिहदे विच मुसीबत दा ना नहीं, जिहदे विच दुखा दा नामो नशा नहीं। अल्लाह पाक सानू ऐसी जन्नत नसीब फरमाए। हज़रात दी वकार अकलमंद बंदा होवे, अठ निशानियां तुहाडे सामने मैं बयान कीतियां ने सूरह राद दी रोशनी अंदर। यह सूरह राद अल्लाह दी मुहब्बत भरी कुरान दे 13वें पारे अंदर सूरत है, ये 3450 हरूफ ने। जिहड़ा बंदा सूरह राद एक वारी पढ़ता है अल्लाह 34500 नेकियां अता फरमांदे ने, इहदियां कुल 43 आयात ने, इहदे 6 रुकू ने, मदनी सूरत है। इहनू याद करो, घर जाके दा तर्जमा मजीद पढ़ो, अल्लाह पाक मजीद मुहब्बत पैदा फरमा देगा। जिहड़ियां अठ अकलमंद बंदे दी निशानियां बयान होईयां ने, अल्लाह मैनू भी और तुहानू उहनां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखरू दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।